शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने आज आरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आगामी दुर्गा पूजा को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही, साथ ही डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध की बात कही और बताया कि दुर्गा पूजा में जाति उन्माद फैलाने वाले या अश्लील गाने बजाने वाले या दोअर्ती गाने बजाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूजा पंडाल में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन की कैमरे की नज़र रखी जाएगी। टोटल तो सर हम लोगों को 15,000 लोगों पे 107 की कार्रवाई की गई, जिसमें से 10,000 को अभी आज मैं भोजपुर जिले में जितने भी सर्किल इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर SHO साथ ही STPO यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके साथ समीक्षा की गई है और दशहरा की तैयारियों का पूरा जायजा लिया गया है। बड़ी अच्छी तैयारी की है इन लोगों ने, लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों पे 107 की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा लोगों को बंद पत्र भी भरवा दिया गया। इसमें निर्देश दिया गया है कि जो भी पंडाल पूजा समितियां हैं उसके साथ सभी लोग बैठक कर लें, शांति समितियों के साथ भी बैठक कर लें और बिना लाइसेंस निर्गत किए हुए किसी भी प्रकार का जुलूस न निकले। साथ ही जो इंतजाम है सुरक्षा के, उसके लिए पुलिस डेपुटेशन यहां पर रहेगा, 1,000 के आसपास पुलिस पदाधिकारी और कर्मी ड्यूटी पर रहेंगे सप्तमी के बाद से, और किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना से निपटने की पूरी तैयारी है इन लोगों की। प्रोसेशन के दौरान किसी भी प्रकार से हथियारों का प्रदर्शन वर्जित है। साथ ही जो ट्रैफिक के इंतजाम रहेंगे उसके संबंध में ट्रैफिक DSP को भी निर्देशित किया गया है कि जो सप्तमी के बाद से लेकर दसवीं तक ट्रैफिक के विशेष इंतजामों के संबंध में एडवाइजरी निर्गत करके और लोगों को अखबार के माध्यम से प्रकाशित करके बता देंगे, जिससे लोगों को तकलीफ न हो। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया है और उसके संबंध में कहा गया है कि जो सायंकाल के बाद महिलाएं पूजा और पंडाल के दर्शन के लिए निकलेंगी उनकी सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। साथ ही प्रकाश का समुचित इंतजाम रहेगा और पेट्रोलिंग रहेगी पुलिस की गाड़ियों की, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। DJ पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जुलूस के दौरान कोई भी DJ अलाउड नहीं है। साथ ही शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाए सभी लोग। बाहर से जो बिहार विशेष सशस्त्र बल है उसके 140 सिपाही यहाँ पे अतिरिक्त तैनात होंगे दशहरा के दौरान। ड्रोन कैमरे की नज़र सर कहाँ होगी, इसके लिए दुर्गा पूजा में ही रहेगा कि आगे भी? प्रशासन उसका भी इंतजाम करेगा ताकि जो ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी विसर्जन और त्यौहार के दौरान नज़र रखी जाए।